हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेकफास्ट की एक नई रेसिपी। आपने अप्पे तो बहुत खाए होंगे, पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की अप्पे। इस रेसिपी को मैंने कम से कम तेल में और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाने की कोशिश करी है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि मैं ब्रेड की अप्पे कैसे बनाती हूँ। अप्पे बनाने के लिए मैंने चार ब्रेड ले ली थी और उनके किनारे काटे बिना ही उन्हें ग्राइंड कर लिया है। और इस तरीके से ये दो कटोरी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं आधी कटोरी सूजी सेमोलिना, एक कटोरी खट्टा गाढ़ा दही। अब इस रेसिपी को हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ सब्जियाँ ले रही हूँ। तो सब्जियों में जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है प्याज, उबला हुआ आलू, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च और ये हरी मिर्च कटी हुई। आप सब्जियाँ अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें आप हरे मटर ऐड कर सकते हैं, पनीर के क्यूब्स ऐड कर सकते हैं। तो जो सब्ज़ी आपको टेस्ट पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें सब्जियाँ कम ज़्यादा कर लें। अब इसमें ले रही हूँ मैं नमक। नमक मैंने ये एक चम्मच लिया है, ये टीस्पून से भी छोटा चम्मच है जो कि मसालों की मेज़रमेंट के लिए है, तो वही चम्मच से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आधा चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर लिया है। अब इसमें हल्का सा पानी डालते हुए इसे मिक्स कर लेना है। तो पानी लगभग इसमें एक ही कटोरी लगी है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट को आपस में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम एक या दो घंटे के लिए किसी गर्म जगह पर छोड़ देना है। सर्दियों में आप इसे 4 से 5 घंटे भी छोड़ सकते हैं और गर्मियों में 2 घंटे इनफ हैं। तो अब 2 घंटे हो चुके हैं, तो अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इस तरीके से ये अप्पे बैटर बनके तैयार हो गया है। अब इसको मोर हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चीज़, क्योंकि आजकल बच्चों को चीज़ बहुत पसंद आती है। तो किसी भी रेसिपी में अगर चीज़ होगी तो बच्चों की रेसिपी फेवरेट हो जाती है। तो बस इसमें मैं चीज़ मिला रही हूँ और इससे क्या है कि रेसिपी हेल्दी भी हो जाएगी। तो बस इस तरीके से ये बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर फ्लेम ऑन करके अप्पे पैन रख दिया है, क्योंकि इस रेसिपी को मैं अप्पे में ही बनाने जा रही हूँ, तो इसीलिए ये ब्रेड के अप्पे हैं। तो इसमें मैं हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ और बस इसे ऑयल को जो है वो फैला दूँगी। और फ्लेम को ऑन रखा हुआ है, अभी फ्लेम को मैंने लो फ्लेम पर ही रखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जितना जितना बैटर इसमें आता है उस हिसाब से इसमें एडजस्ट करती जाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने ये सारे भर दिए हैं, ऊपर से हल्का सा ऑयल लगा दिया है और अब इसे कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आइए मैं चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से अच्छे से पक चुके हैं ये। अब इन्हें मैं पलट लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये सारे अप्पे पलट लिए हैं। अब इन्हें दूसरी तरफ से भी पकने दूंगी। तो दूसरी तरफ से पकने के लिए इसे मैं फिर से कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी लो फ्लेम पर। तो अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं जो अप्पे हैं वो हमारे सही से बिल्कुल पक चुके हैं दोनों तरफ से। इस तरीके से
तो ये अप्पे जो है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ। तो देखा कितना टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है और कितनी जल्दी बन जाता है। बिना किसी झंझट के आप इस नाश्ते को बच्चों को दे सकते हैं बना करके। बेहद हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे इवनिंग में लें, बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर आप चाय के साथ लें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है। पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।